सुशांत के पिता के सिंह का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है और यह मैसेज रिया चक्रवर्ती को 29 नवंबर को 2019 को भेजा गया था। और व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत के पिता ने यह कहा था कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। आखिर बात क्या है, फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे मिले, इसीलिए कॉल कर मुझे सारी जानकारी दो। यानी ये 2019 का वो मैसेज है जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को किया था, जिसमें उन्होंने ये पूछने की बताने की कोशिश की कि मैं पिता हूं और मुझे पूरा हक बनता है कि सुशांत का इलाज किस तरीके से हो रहा है उसकी जानकारी मुझे मिले, कॉल करके मुझे सारी जानकारी दो। और इसी हक से सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को मैसेज किया था। आज तक के पास ये रिया को जो मैसेज किया गया था ये वो व्हाट्सएप मैसेज है, सुशांत के पिता का संदेश आज तक के पास रिया को सुशांत के पिता का संदेश है। अंजना उनका शब्द जुड़ चुकी है। अंजना, बहुत बड़ी बात ये कि जब पिता खुद जानना चाहते थे रिया से बात करके कि बताएं कि क्या इलाज हो रहा है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। ये साफ बताता है देखिए नवजोत कि एक पिता किस तरह से परेशान थे, वो बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और ये जो बीते दिन पूरा एक मुंबई से रिया चक्रवर्ती की तरफ से मैसेजेस सामने करके व्हाट्सएप के परिवार को बदनाम किया जा रहा था, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टियां कूद रही थी। संजय राउत ने कहा कि पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं थे, अगर पिता चिंतित था अपनी बेटे के बारे में वो लगातार पूछ रहा है। आप देखिए पटना से वो पूछ रहे हैं, मुंबई में ये लोग मौजूद हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप खुद सुशांत के नंबर को लास्ट के पीरियड में ब्लॉक कर देते हैं, आप क्या चाह रहे थे, आप उसका संपर्क हर किसी से काट दे रहे हैं, पिता बार बार पूछ रहे हैं। और ये जो आरोप लग रहा था कि पिता फैमिली ऐसी है और फैमिली बहुत नैरो माइंडेड है, आप देखिए फैमिली तो उसके पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से भी टच में थी, अंकिता लोखंडे तक से कह रहे थे सुशांत के पिता की मेरी बात करा दीजिए, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से वो लोग कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की, ये तस्वीर साफ हो गई थी कि इन लोगों ने पूरा मैनेजमेंट कर लिया था, उसके आसपास जितने लोग थे जिनसे भी वो संपर्क साधते वो कहते सर हमें तो नौकरी से निकाल दिया। बीते दिन भी हमने उनके एक सबसे करीबी जो इसको आप कहते हैं राइट हैंड होता है 24/7 जो आपके सामान लाता है इधर उधर, जो छिछोरे जैसे फिल्म में पूरे वक्त शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे, वो असम गए, वापस लौटे कह दिया गया कि आपकी छुट्टी हो गई है, मैडम ने सारे नए लोग रख लिए हैं। अब उसी रिया चक्रवर्ती से जब पिता ये मैसेज करते हैं और पूछते हैं तबियत के बारे में वो कोई जवाब नहीं देती है। आप समझिए एक पिता के तौर पर, और उनकी उम्र भी आप देखिए 34 है सुशांत की, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर धमक सकते हैं, उनकी लाइफ है जो वो रिया के साथ जी रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए 74 साल उनकी खुद की उम्र है, ये मैसेज सब कुछ बता रहा है नवजोत, ये बता रहा है कि पटना में बैठा हुआ एक पिता कितना चिंतित था और रिया किस तरह से पूरी तरह से उनके आसपास के लोगों को और एक तरह से जिसे कहते हैं कंट्रोल बटन उनके हाथ में थे उनके चारों तरफ, इसलिए कुछ जानकारी देने को तैयार नहीं थी। और इस पर अंजना सबसे हैरानी इस बात की होती है कि रिया जो साथ में एविडेंसेस लगाती हैं, चाहे वो उनकी नोटबुक के कुछ पन्ने हो या फिर उनकी तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस, और उस पर भी संजय राउत निकलकर आकर कहते हैं कि पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। यही वो सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, चाहे आप मुंबई में है चाहे आप भारत के अन्य किसी हिस्से में है, कि रिया को डिफेंड करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या परिवार पर कीचड़ उछाले ये सही है बिना तथ्यों के, या आप सपने में नहीं देख सकते कि उनके पिता के साथ रिश्ते खराब थे या हियर से पर या उनकी फैमिली लाइफ कहीं और थी, ऐसी बातें करके अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है। ये मैसेज अब सब कुछ बताएगा, ये मैसेज बताएगा और जाहिर तौर पर परिवार के लिए इस बात का के लिए वो संतुष्ट हैं कि कम से कम ऐसे मैसेजेस सेव थे उनके मोबाइल में ताकि वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते ही सुशांत से अच्छे नहीं थे। मतलब एक जो तीन बहनें नवंबर के महीने में पहुंच गई थी मुंबई उन्हें वापस लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि परिवार ने इसके बाद भी हिम्मत हारी, परिवार तो वहां पर पहुंच गया था और ये साफ था उनको कि किस तरह की परिस्थिति मुंबई में है। तीनों बहनों के पहुंचने के बावजूद वहां पर उन कोशिश करने के बावजूद कि किसी तरह से सुशांत को लाया जाए, शौविक ने वहां पर पूरे मामले को पलट दिया, तो ये और उसके बाद सुशांत नहीं आए तो ये फैमिली को क्लियर हो चुका था कि क्या सिचुएशन मुंबई में बन गई है सुशांत के इर्द-गिर्द।
बिल्कुल अंजना, लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये तो व्हाट्सएप वर्सेस व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है रिया या फिर उसके परिवार के दूसरे लोगों से या फिर सुशांत के साथी या पूर्व मैनेजर से, उसमें कुछ खास ठोस निकल कर अभी तक सामने नहीं आया जो 15 करोड़ की ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, हेरफेर की बात हो रही थी। तो ये ईडी की पूछताछ है, सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टर्स अपने अपने तरीके से खबरों को सामने रख रहे हैं, जिसमें बीते दिन ये बताया गया कि अभी तक बहुत ठोस कुछ नहीं मिला है, जाहिर तौर पर नहीं मिला है, इसीलिए पूछताछ लगातार की जा रही है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा मुझे कि जो हेरा फेरी का आरोप आ रहा है क्या उसमें दम है, नहीं है, क्या था ये, क्या एक लिव इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति को उसके परिवार से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया था, क्या ये उससे आगे साजिशन पैसे के हेरा फेरी का भी मामला था, कई लेयर्स हैं इसमें नवजोत। अगर पूरी तरह से फैमिली से कट ऑफ करिए, ये भी वो कह रहे हैं अलग अलग मैसेजेस में कि चूंकि आप ही इलाज कर रही हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। सो जो परिवार जनवरी के महीने में भी, फरवरी के महीने में अगर डीसीपी दहिया को वहां पर बांद्रा में कुछ बताता है मैसेज के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा था कि सिचुएशन खराब है और वहां पर जाकर उनको जाकर भी लाना मुश्किल हो रहा है, ये उनको समझ में आ रहा था, ये इस तरह के संकेत हैं। तो अभी इन दोनों को अलग देखना होगा, और अगर वित्तीय हेरा फेरी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, पैसे का साइफनिंग ऑफ हुआ है, तो वो ईडी है, और अगर सब कुछ मिल ही गया होता पहले दिन, तो उसके बाद दूसरे दिन जांच के लिए क्यों बुलाते। जाहिर सी बात है, अभी और पूछताछ होगी, बुलाया जा सकता है। लेकिन अंजना देखिए, पहली लाइन, जब तुम जान ही गई हो कि मैं उसका पिता हूं तो जानकारी क्यों नहीं देती, कॉल करके मुझे सारी जानकारी क्यों नहीं देती, इसका मतलब ये समझा जाए कि रिया इग्नोर कर रही थी उनकी फैमिली को, दूर रखना चाह रही थी सुशांत को उनके परिवार से, क्या ये समझा जाए इसका मतलब। बिल्कुल, इसका यही अर्थ है नवजोत, कि पिता ये कह रहे हैं कि तुम जान चुकी हो, इसीलिए ये वाला व्हाट्सएप मैसेज है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि शी इज इन द नो हाउ, वो जानती है कि वो पिता हैं, बावजूद इसके वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और यही वो लिखा, आप देखिए जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिखते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि सामने वाले के सामने भावनाएं, आप सोचिए कि कितने चिंतित होंगे वो। तो उस तरीके से उन्होंने लिखा कि तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ, तुम जान रही हो मैं पिता हूँ, फिर भी जवाब नहीं दे रही हो, तो ये अपने आप में एक पूरी सिचुएशन को एक तरह से एस्टैब्लिश करता है नवजोत।